बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पे। आज बताने वाला हूँ कस्टमर से पैसे कैसे निकालें, इस समस्या का हल। दोस्तों आज का सवाल आया है रायगढ़ से। रायगढ़ से अक्षय जी पूछते हैं, सर कस्टमर से पैसा कैसे निकालें। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कस्टमर से हम दो बार पैसे निकालते हैं। सबसे पहली बार जब हम प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम सेल करते हैं तब उससे पैसा निकलवाना है, और दूसरी बार कई बार कस्टमर प्रोडक्ट लेके चला जाता है लेकिन पेमेंट नहीं करता। तो आज इन दोनों वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करें जिससे कस्टमर आपको पेमेंट कर दे, टाइम पे पेमेंट कर दे और सही पेमेंट कर दे जो आपकी डिमांड हो, ये दोनों चीजें आज मैं बताने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, मैं देने वाला हूं बेस्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आपका कस्टमर आपको पेमेंट कर जाएगा। दोस्तों कस्टमर के पैसे की समस्या दूर करने से पहले आपको तो ये जानना होगा कि कस्टमर कौन कौन से ऐसे कारण है जिन कारणों से आपको पैसे की समस्या बताता है। तो ध्यान से पहले समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर फेस करता है या फिर उसे वो पॉइंट्स मिल जाते हैं और जिनके कारण वो पैसे देने में नाटक करता है। तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, चाहते क्या हो और मन में क्या है, समझिएगा। कई बार कस्टमर की नीड कुछ और होती है और आप उसके मन की बात नहीं समझ पाते या कस्टमर अपने मन की बात अपनी नीड को नहीं समझा पाता। तो आपको एज अ सेलर, आपको एज अ पर्सन वहां पे कस्टमर की नीड को, कस्टमर के मन में क्या है, क्या उसकी एक्चुअल नीड है वो समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस पॉइंट का नाम दिया चाहते क्या हो और मन में क्या है। कस्टमर कई बार समझा नहीं पाता आपको, और जब आपको समझा नहीं पाता आप उसे कुछ का कुछ प्रोडक्ट दिखाते तो वो उस प्रोडक्ट की प्राइस आपको नहीं पे करता और वो चला जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट पहले से जुड़ा हुआ है। कई बार जब कस्टमर अपनी चीजों को बता नहीं पाता तो आप उसे कुछ और चिपकाने में लग जाते हैं, सर एक काम कीजिए आपके लिए ये बेस्ट होगा, आप इसको छोड़िए उसको ले लीजिए, और कस्टमर उस स्टेज में आने के बाद आपको कभी भी पेमेंट नहीं करता। तो कस्टमर से पहले ये क्लियर कीजिएगा कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, और नीड को आप अपने प्रोडक्ट के साथ मैच कीजिएगा। अगर मैचिंग कंफर्म होती है, जैसे ट्रेन का डिब्बा दूसरे ट्रेन के साथ तभी जुड़ता है जब उसकी मैचिंग कंफर्म होती है, वैसे ही आपका पर्सन, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से जब तक कनेक्ट नहीं करेगा तब तक आपके प्रोडक्ट के लिए वो कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको ये करना है कि उसके लिए एक सही कनेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के साथ। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कई बार जब कोई सामने से हमारे शॉप पे आता है, हमारी दुकान पे आता है या फिर हमसे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट करता है तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये लो ये तो अपने से चल के आ रहा है, कि हम प्रोडक्ट की वैल्यूज क्रिएट नहीं करते। और वैल्यूज जब तक किसी भी चीज की क्रिएट ना की जाए तो बड़े से बड़ा सामान भी मिट्टी के मोल का होता है। तो मोल सही लगाइएगा ताकि उसे कस्टमर नाप तोल के आपको सही अमाउंट दे सके और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा पेमेंट कर सके आपको। अगर आपने उस प्रोडक्ट की मोल को नहीं बढ़ाया, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को, वैल्यू को नहीं क्रिएट किया कि ये इतना महंगा है कि जितने में मैं दे रहा हूं ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको, तो सही तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कीजिए, उसका अमाउंट कस्टमर के दिमाग में आपके बोले गए अमाउंट से 10 गुना तक क्रिएट कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि कस्टमर को अमाउंट बताने से पहले कस्टमर से पूछे सर क्या लगता है, इतने सारे फीचर्स के साथ, इतनी सारी चीजों के साथ, इतनी सारी क्वालिटीज के साथ ये प्रोडक्ट किस अमाउंट पे मिल सकता है। कस्टमर से अगर आप पूछते हैं तो कई बार कस्टमर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने वैल्यू क्रिएट की। अगर कस्टमर हाई लेवल हाई वैल्यू बता रहा है मतलब क्लियर है कि आपने सही तरीके से वैल्यू क्रिएट किया और कस्टमर को समझ में आ चुका है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन जब आप सस्ते दामों में बोलेंगे कस्टमर तुरंत बाय करेगा, टाइम नहीं लगाएगा, तो वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि सचमुच आपके कस्टमर का उतना बजट नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। तो आपको एज अ सेल्स पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट काम यह करना होगा कि कस्टमर के बजट को समझना होगा। यहां से दोस्तों ध्यान दीजिएगा दो रास्ते निकलते हैं। अगर आपके कस्टमर का उतना बजट नहीं है तो कस्टमर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा उतना बजट नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पे थोड़ा सा शर्म की बात आ जाती है, तो इसलिए कस्टमर ये नहीं बोलता कि नहीं मेरा उतना बजट नहीं है, कई सारे कस्टमर बता देते हैं। तो आपको एज अ पर्सन समझना पड़ेगा वहां पे कि आपके कस्टमर का बजट कितना है, उसके बजट के हिसाब से अगर सेम फीचर का कोई भी ऑप्शन आप उसे दे सकते हैं तो दीजिए,
नहीं तो आपके कस्टमर को आप कभी डेड मत होने दीजिए। कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, कुछ भी नई चीजें आती है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल रखिए, उसकी इंक्वायरीज रखिए। अगर वो चले भी जाता है कि नहीं मुझे इसके ऑप्शन में नहीं चाहिए, मुझे यही प्रोडक्ट इस प्राइस पे चाहिए, तो उसे विनम्रतापूर्ण समझाइएगा, फीचर्स बताइएगा कि सर इतने सारे फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कंपनी का जायज बात है कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। हालांकि इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा अगर आप अपना नंबर दे पाए तो। कॉन्टैक्ट डिटेल रखिए, कस्टमर को उसी मुकाबले का दूसरा प्रोडक्ट शेयर करते रहिए, एक ना एक दिन कस्टमर जरूर कन्वर्ट होगा और वो दूसरा प्रोडक्ट आपके यहां से लेके जाएगा। इससे आपका कस्टमर डेड भी नहीं होगा और आपसे कनेक्टेड रहेगा, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी होगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये चारों पॉइंट मेरे दिमाग में रखिए कि सही वैल्यू क्रिएशन करनी है, प्रोडक्ट जो कस्टमर चाह रहा है पहले उसे एनालिसिस करें, उसकी नीड समझे कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर के साथ परफेक्ट मैचिंग करें, और चौथा और लास्ट है कि अगर सचमुच में आपका कस्टमर उतना पेमेंट नहीं कर पाता तो वहां से दो रास्ते निकलते हैं जैसा मैंने बताया, एक तो आप उसके ऑप्शन में नेक्स्ट प्रोडक्ट दें या फिर दूसरा एक सही समय आने का इंतजार करें। दोस्तों अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अक्षय जी के एक्चुअल सवाल पे। अक्षय जी का क्वेश्चन था, सर मैंने सामान तो पहुंचा दिया कस्टमर के यहां पे लेकिन कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। मेरे पास कुछ वकीलों का भी ये क्वेश्चन आया। जी हाँ, वकील साहब का भी क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला सर क्लाइंट ने पेमेंट इतने का बोला था बट जैसे ही केस कंप्लीट हुआ अब वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझना होगा अक्षय जी का जो सवाल था वो ये था कि सर मेरा कस्टमर मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है जो कि मैंने सामान डिलीवर कर दिया, और कस्टमर अच्छे खासे घर का भी है, उसको पेमेंट का भी इशू नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अक्षय जी, अक्सर यही होता है, हमारे यहाँ पे कहावत भी है कि जो गाय ज्यादा दूध देती है नखरे उसी के ज्यादा होते हैं, मतलब जिसके पास पैसा होता है अक्सर पेमेंट करने में वही नाटक करता है। आम इंसान तो अपनी डील पे खरा उतरता है, जल्द से जल्द काम करके निकल जाता है। तो अक्षय जी यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहूंगा कि आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवरी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कस्टमर से पैसे निकालने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके यहाँ से आके 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है तो 8 उसके यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरी करा दीजिए, 2 रोक लीजिए। दो रोकने का मतलब यह है कि कस्टमर को यह नहीं बोलना कि सर पेमेंट के बाद ही डिलीवर करूंगा, कस्टमर को यह बोल सकते हैं सर 2 कम थे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे ही पेमेंट आप देने आएंगे तो आपके हाथों हाथ भिजवा दूंगा, या फिर सर लड़के को पेमेंट के लिए भेजूंगा तो मैं हाथों हाथ डिलीवर करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने पेमेंट की वसूली की डेट ले सकते हैं उससे। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान देने से पहले ही एक प्रॉपर बॉन्ड कर ले, जैसे कि बैंक वालों करते हैं कि अगर उन्होंने कोई लोन दिया, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिया तो उस प्रोडक्ट की ईएमआई डेट टू डेट कलेक्ट होती है। तो इस प्रकार का अगर बॉन्ड होता है आपका अपने क्लाइंट के साथ कि सर ये प्रोडक्ट मैं आपके यहाँ दे रहा हूं लेकिन ये आप रिटर्न पे दे दीजिए, प्लीज इस दिन आप पेमेंट करवा देंगे, अक्सर रिलेशंस में ये काम नहीं आ पाता क्योंकि वहां पे हम अपनी रिलेशन बिल्डिंग पे लग जाते हैं, बट इसको दूसरे तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है और आप तो अपने हैं सर, आपको क्या दिक्कत होगी, आपका पेमेंट तो कभी नहीं रुकता, तो एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है बस कर दीजिए। तो बॉन्ड करा लीजिए, एक प्रॉपर सिग्नेचर ले लीजिए क्लाइंट का जिसपे वो रिटर्न में हो कि आपको इस डेट पे पैसा रिसीव हो जाएगा अपने मटेरियल का, अपने माल का। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दीजिए, टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, मतलब बहुत सारी कंपनियां अभी कर रही हैं, उनकी पेमेंटिंग रोजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया है, वो ऑटोमेटिक एक बार हम बैंक से उनकी अप्रूवल लेते हैं और ऑटोमेटिक डेट टू डेट पेमेंट आपके पास रिसीव हो जाएगी। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर अगर आपके पास हो तो आप भी इंप्लीमेंट कर लीजिए, इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कोई हाई वैल्यूएशन नहीं है, जिससे आपके किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिलीवरी के पेमेंट को क्लियर होने से पहले सेकंड डिलीवरी ना करें। कई बार आप किसी प्रोडक्ट को देते हैं और क्लाइंट के 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, ऑर्डर तो बहुत सारे आ गए अब आप फटाफट डिलीवरी करा देते हैं, नहीं, जब तक फर्स्ट प्रोडक्ट का पेमेंट ना आए तब तक नेक्स्ट डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों लास्ट और बहुत ही उमदा पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं इन सभी चीजों से बचने का और अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन रखने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपनी डील इंस्टेंटली क्लोज करें, दो तरीके से, पहला तो या फिर प्रोडक्ट कुछ एक्स्ट्रा दे दें, जैसे कि सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से पेमेंट कीजिएगा, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर टोटल डील हमारी 50,000 की है मैं इसको 48 पे अब भी क्लोज करा सकता हूं अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया तो,
तो कई बार आपका देनदार ये समझता है कि मुझे 2000 का फायदा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर, एक महीने के बाद आप ले जाइएगा और आराम से आपका पेमेंट भी वही हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप इंस्टेंट क्लोजर के लिए कुछ ऑफर या ऑप्शन दे सकते हैं जिससे आपका पैसा मार्केट में फंसेगा नहीं और क्लाइंट भी आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करेगा। पहला तो पैसे से डील कर लीजिएगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी है, प्रोडक्ट वाइज डील कर लीजिएगा। सर कोई दिक्कत नहीं, आप 10 लेके जाइए, आराम से पेमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन था, आपको ये प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा तौर पे मिल जाएगा। इससे क्या रहेगा गाइस, आपके पास कैश फ्लो मेंटेन रहेगा और आपके हाथ में प्रोडक्ट और पैसा दोनों टिका रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत ही काम आए होंगे आपके अपने बिजनेस के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। दोस्तों अगली वीडियो एक बहुत ही उम्दा वीडियो होने वाली है, बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाला है आपके लिए, लेके आने वाला हूं स्पेशली, तो मिस मत कीजिएगा। आपके ढेर सारे प्यार के लिए, आपके बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।